नमस्कार, न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ सुनीता शर्मा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। और बयान में कोई किसी आम सीएम विधायक एमएलए को धमकी नहीं दी, सीधी प्रधानमंत्री को चेतावनी दिला ली। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि अगर भारत देश में किसानों की आंखों में आंसू हैं, या वो गरीबी की हालतों को लेकर जूझते नजर आ रहे हैं, या किसी संकट में मुसीबत में खड़े हैं, और ऐसी सरकार का यहाँ पर फिर से बने रहना शायद गलत है। उनका सीधा कहना है कि अगर जो किसानों की आंखों में आंसू ला सकती है, ऐसी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। यही नहीं, ऐसी सरकार को तुरंत ही पद से हट जाना चाहिए। यह एक बहुत बड़ा बयान है, लेकिन आप देखते हैं कि इस बयान के चलते क्या कुछ देखने को मिल सकता है। पहले आपको ये बयान सुना देते हैं। क्या पाप किया तेलंगाना के किसानों ने? धान उगाना ही पाप था? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि आप चाहे किसी से भी खिलवाड़ कर सकते हो, लेकिन किसानों से नहीं। भारत का इतिहास बताता है, जहां भी कष्ट पाकर किसानों के आंखों से पानी निकले, वहां की सरकार जरूर सत्ता से बाहर निकले। ये शक्ति हमारे देश के किसान में है। सत्ता में कोई परमानेंट नहीं है, लेकिन जब आप सत्ता पे हो, उस नशा में होश खो जाके आप और आपके मंत्री दूसरे मंत्रियों के साथ, राज्यों के मंत्रियों के साथ, किसानों के साथ एक अपमानित रूप से व्यवहार करे, ये बिल्कुल हमें स्वीकार नहीं है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर जुड़े रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।